गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी को डिराइव कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस आइडेंटिटी में। प्रूव दैट AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। कभी कभी इस क्वेश्चन में सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा फैक्टराइज दिस, तो जिस मेथड से भी हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं आप इसी मेथड को यूज करके इसे फैक्टराइज भी कर पाइएगा। हाँ, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि वेरीफाई, तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा RHS को सॉल्व करके आप LHS ला सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला गया प्रूव दैट, मतलब हमें प्रूव करके लाना है। तो चलिए टेकिंग LHS, हम लोग LHS को सिलेक्ट करते लेते हैं। टेकिंग LHS, LHS इज वॉट AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस AQ प्लस BQ को ब्रेक करेंगे और हमें आइडेंटिटी आता है AQ प्लस BQ क्या होता है स्टूडेंट्स, A प्लस B होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, और रिमेनिंग टर्म्स को यहां लिख दीजिए CQ माइनस 3ABC। अब देखो क्या करना है, अब हमारे पास एक ये टर्म हो गया A प्लस बी होल क्यूब और एक हो गया CQ, तो इसको हम लोग एक टर्म कंसिडर करेंगे AQ प्लस BQ, तो इसको एक साथ लिख लो A प्लस बी होल क्यूब और प्लस CQ को लिख दीजिए इधर, और इस टर्म को इधर लिख देते हैं माइनस 3AB इंटू A प्लस बी माइनस 3ABC। अब हम लोग अपना आइडेंटिटी इस पे लगाएंगे AQ प्लस BQ क्या होता है स्टूडेंट, तो A प्लस बी, तो A क्या है पूरा का पूरा A प्लस बी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं A, तो A प्लस बी हो जाएगा इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। क्लियर है, माइनस 3AB इंटू A प्लस बी माइनस 3ABC। अब आप देख सकते हैं ये आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस A इंटू सी AC माइनस BC प्लस C स्क्वायर। यहाँ आप क्या कॉमन ले लीजिएगा माइनस 3AB कॉमन आ, तो माइनस 3AB इंटू A प्लस बी, और इस टर्म में क्या आएगा प्लस C। अब आप एक तो ये टर्म हो गया आपका ये पूरा और ये सेकेंड टर्म, आप देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है A प्लस बी प्लस C कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ कुछ देख लीजिए इसमें क्या बच जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस AC माइनस BC प्लस C स्क्वायर, इस टर्म में क्या बच जाएगा माइनस 3AB। बस हो गया, अब हम लोग को एक स्टेप और सॉल्व कर देना है A प्लस बी प्लस सी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 2AB माइनस 3AB क्या हो जाएगा माइनस AB माइनस BC ऑलरेडी यहाँ है और माइनस AC, यही क्या है हमारा RHS रूट। तो बड़े ही आसानी से हम लोग साइंटी को प्रूव कर लिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। थैंक्स फॉर वॉचिंग।